फाइनली पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए। चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह काफी समय तक एक दूसरे से दूर रहे और फाइनली अब दोनों एक दूसरे के साथ हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे का ऐसा साथ हुए हैं जैसे कभी दोनों एक दूसरे से कभी बिछड़े ही नहीं थे, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे पहले से ही, जब दोनों की शादी हुई। उसके बाद हमेशा पवन सिंह अपने शूटिंग्स में भी ज्योति सिंह को ले जाते थे और उसके बाद एक दो साल तीन साल दोनों की जो जोड़ी वो बहुत ही अच्छी चली। 2018 में दोनों की शादी हुई थी, उसके बाद काफी अच्छा दोनों की जोड़ी चल रही थी 2022 तक, लेकिन 2022 में किसी की नजर लग गई इस जोड़ी को, आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद काफी सारे विवाद जो है वो शुरू हो गए और दोनों अलग होने का दोनों आपस में दोनों ने ठान लिया था। उसके बाद जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच गया, मामला जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद पवन सिंह इलेक्शन में खड़े हुए और इलेक्शन में जब खड़े हुए तो वहीं ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी ने काफी ज्यादा पवन सिंह को सपोर्ट किया, हर जगह पवन सिंह के लिए जा के वोट मांगी और उसके बाद से दोनों साथ में हो गए और अब दोनों साथ में ही रहते हैं। अभी सावन चल रहा है और सावन में दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, सावन को पूजा कर रहे हैं भोले बाबा की, क्योंकि भोले बाबा की बहुत ही बड़ी भक्त हैं ज्योति सिंह और हमेशा ज्योति सिंह जो है वो भोले बाबा की पूजा करते हुए नजर आती हैं। जब वो पवन सिंह के साथ थी तब भी और जब पवन सिंह के साथ नहीं भी थी तब भी भोले बाबा से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है इनको और हमेशा भोले बाबा को लेकर के हमेशा चर्चा में रहती हैं, काफ़ी सारे स्टेटस लगाती हैं ज्योति सिंह और काफ़ी धार्मिक हैं ज्योति सिंह और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। वहीं पवन सिंह जो है वो भोजपुरी के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं और साथ में पूजा पाठ पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमेशा आप लोग स्पेशल डेज पर देखते होंगे पवन सिंह अपने ऑफिस में पूजा करते हुए नजर आते हैं, अपने घर में पूजा करते हुए नजर आते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और भगवान से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, धार्मिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है दोनों को और दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही प्यारी जोड़ी है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग को पवन सिंह और ज्योति सिंह की जोड़ी कैसे लगती है, और साथ में पवन सिंह की और ज्योति सिंह की जो जोड़ी है बिल्कुल बिखर सी गई थी, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि एक बार दोनों ऐसे मिले हैं जैसे दोनों बिछड़े ही नहीं थे और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार है और एक दूसरे को दोनों बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी जब पवन सिंह बड़े बड़े मंच पे जाते थे तो कई बार इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह ने कहा भी है कि मेरी पत्नी मुझे मेरा बहुत ख्याल रखती है, जब भी मैं इंटरव्यू में जाता हूं तो मुझे बताती है कि आपको ऐसे बोलना है ऐसे बात करना है, हर चीज़ वो मुझे सिखाती है। और उसके बाद पवन सिंह से ये भी पूछा गया था कि आपके फ़ोन में अभी लास्ट कॉल किसका है, तो उन्होंने कहा था मेरी पत्नी का है और उस वक्त पवन सिंह का बॉलीवुड गाना आया था। ये जो बातें चल रही है 2021-22 की बात थी, उसके बाद से दोनों के बीच काफ़ी सारी दरारें आ गई, कोर्ट तक मामला पहुँच गया और कोर्ट में ये बताया जा कि हम दोनों का जो विचारधारा है आपस में मिलता नहीं, इसलिए हम लोग दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन फाइनली जो मामला है मामला फिर से सुलझा, दोनों एक साथ हुए, दोनों एक साथ ऐसे हो गए जैसे कभी बिछड़े ही नहीं थे। और वैसे पवन सिंह के और ज्योति सिंह के जितने भी फैंस हैं सब बस एक ही चीज चाह रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह कभी अलग ना हो, पवन सिंह और ज्योति सिंह हमेशा साथ में रहे, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है वो पवन सिंह को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग पवन सिंह के फैंस जो है वो ज्योति सिंह को भी फॉलो करते हैं। और जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया था उस वक्त पवन सिंह के जो फैंस हैं वहां कोर्ट में जाकर के ज्योति सिंह से एक ही अपील कर रहे थे कि भैया से अलग मत होइए, भैया के साथ रहिए। पवन सिंह से भी लोग बस एक ही चीज अपील कर रहे थे कि आप लोग साथ रहिए, अलग बिल्कुल नहीं होइए, क्योंकि ये जोड़ी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं कि जोड़ी आप लोग को कैसी लगती है। फिर मिलते हैं दूसरे को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।